स्टूडेंट्स वेलकम टू आवर कंप्यूटर क्लास। टुडे वी लर्न आवर लेसन नंबर 3 एप्लीकेशंस ऑफ कंप्यूटर्स, जिसमें आप लर्न करेंगे कि आपका जो कंप्यूटर है वो कौन कौन सी फील्ड में यूज़ होता है। वैसे तो कंप्यूटर हर फील्ड में यूज़ होता है, बट उसका हर फील्ड में एक टास्क होता है जो परफॉर्म करता है। ठीक है, तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारा कंप्यूटर है वो आप होम्स में यूज़ करते हो, स्कूल्स में, बैंक्स में, ऑफिस, शॉप्स, ठीक है, रेलवे स्टेशंस पे, हॉस्पिटल्स में। तो अभी हम स्कूल्स में कैसे यूज़ करते हैं कंप्यूटर को, ठीक है। देखो, मेकिंग कैल एग्ज़ामिनेशन डेट शीट, यहाँ पे देखो लास्ट डेट है, फीस डे है, कितनी तारीख को आपने फ़ीस पे करनी है, लास्ट डेट ये वाली है, यहाँ तक आपने फ़ीस पे कर देनी है। तो ये वाले रिकॉर्ड्स आप कंप्यूटर में बना सकते हो। अगर आपने कोई डेट शीट डालनी है तो वो भी आप कर सकते हो कंप्यूटर में। जैसे यहाँ पे देखो कि आपकी लाइब्रेरी बुक्स का रिकॉर्ड है जो आप कंप्यूटर में सेव कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको अपनी फ़ीस की डिटेल्स लेनी है तो वो आप रिसेप्शन कंप्यूटर से ले सकते हो। ऐसे आप स्कूल्स में कंप्यूटर यूज़ करते हो। देन आप बैंक में कंप्यूटर क्यों यूज़ करते हो? नाउ डेज मोस्ट वर्क इन बैंक्स आर डन विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर्स, ठीक है। आज के दिन में हम क्या करते हैं कि जो भी हमारे काम होते हैं वो बैंक्स में, ठीक है, वो बहुत ही ज़्यादा होते हैं, और कंप्यूटर की हेल्प के साथ आप अपना जो काम हो है वो बहुत ही ईजी कर सकते हो। देखो, अगर आपने कोई सेविंग्स करनी है उसके लिए आप कंप्यूटर को यूज़ करते हो। जिसके अलावा और भी क्या कर सकते हो, जो भी आपकी सेविंग अकाउंट्स होते हैं, ठीक है, आपकी पासबुक्स होती हैं, बैंक कॉपी होती है, उसकी डिटेल्स आप कंप्यूटर में फिल कर सकते हो। देन रेलवे स्टेशंस एंड एयरपोर्ट्स में आप कंप्यूटर क्यों यूज़ करते हो? टू बुक टिकट्स। सेकंड पॉइंट है टू इन्फॉर्म अबाउट अराइवल एंड डिपार्चर, मतलब कि जो भी आपने टिकट बुक की है, अगर रेलवे की है या फिर एयरलाइन की है, तो उसकी मतलब जाने का समय और उसके पहुंचने का समय, अराइवल मतलब जाना और डिपार्चर मतलब वहाँ पे पहुंचने का समय क्या है, उसकी इन्फॉर्मेशन आप ले सकते हो। टू इन्फॉर्म अबाउट द ट्रैफिक सिचुएशन, अगर आप में आपके जाने में या फिर आपकी यात्रा में कोई रुकावट आएगी तो उसके लिए भी आपको इन्फॉर्मेशन अलग से मिल सकती है कंप्यूटर के द्वारा, ठीक है। तो बाद में आते हैं हॉस्पिटल्स। हॉस्पिटल में आप कंप्यूटर क्यों यूज़ करते हो? नंबर वन, टू कीप रिकॉर्ड्स अबाउट पेशेंट्स, जो आपके मरीज़ होते हैं उनके बारे में रिकॉर्ड सेव रखना, जैसे उनका ब्लड ग्रुप क्या है, बॉडी टेम्परेचर क्या है उसका, ठीक है। टू चेक एक्सरे रिपोर्ट्स, जो आपका एक्सरे रिपोर्ट्स होती हैं उसको आप चेक कर सकते हो कंप्यूटर में। टू डायग्नोज द इलनेस ऑफ अ पेशेंट, जो मरीज़ की बीमारी होती है उसकी आप जांच कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आते हैं ऑफिस। ऑफिसेज़ में कंप्यूटर क्यों यूज़ करते हो? नंबर वन, टू टाइप मैटर्स एंड सेव इट, जो भी आपके मैटर्स होते हैं, जो भी आपकी बातचीत होती है या डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनको आप सेव कर सकते हो। टू कीप रिकॉर्ड्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स, अपनी फाइल्स डॉक्यूमेंट्स का रिकॉर्ड सेव कर सकते हो, ठीक है। अगर आपकी कोई इंटरनेट फैसिलिटी में प्रॉब्लम आ रही है उसके लिए भी आप कंप्यूटर में ऑनलाइन कंप्लेंट कर सकते हो, ठीक है, तो उसके लिए आप कंप्यूटर यूज़ करते हो। फिर आता है पुलिस स्टेशंस में कंप्यूटर क्यों यूज़ होता है? द पुलिस यूज़ कंप्यूटर बिकॉज टू कीप रिकॉर्ड्स ऑफ क्रिमिनल्स, ठीक है, जो क्रिमिनल्स होते हैं उनका रिकॉर्ड्स संभाल के रखने के लिए। टू स्टडी फिंगरप्रिंट्स, जो क्रिमिनल्स के फिंगरप्रिंट्स होते हैं उनको रिकॉर्ड में रखने के लिए, उनकी डीएनए रिपोर्ट को स्टडी करने के लिए, या फिर ट्रैफिक पुलिस को अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसके बारे में स्टडी करने के लिए आप कंप्यूटर यूज़ करते हो, ठीक है। ये वाला आपके लिए क्वेश्चन है बेटा, डू यू हैव कंप्यूटर इन योर होम? यहाँ पे आपने आंसर राइट करना है, क्या आपके घर में कंप्यूटर है? यहाँ पे पीछे आपने आंसर लिखना है, येस और नो, ठीक है। व्हाट डज़ योर फादर डू ऑन कंप्यूटर, ये भी आपने खुद लिखना है कि अगर आपके घर में कंप्यूटर है तो आपके पिताजी कंप्यूटर पे क्या कर रहे हैं, ठीक है, मतलब क्या करते हैं जो कर रहे हैं, उसका भी आपने आंसर यहाँ पे राइट करना है, यहाँ पे येस और नो,
और यहाँ पे आपने लाइन बना के लिखना है कि आपके पिताजी कंप्यूटर पे क्या कर रहे हैं। तो यहाँ तक आपका जो लेसन है एप्लीकेशंस ऑफ कंप्यूटर वो कंप्लीट हो गया। उसके बाद हम उसकी एक्सरसाइज करेंगे। ए पार्ट में आपके क्वेश्चन आंसर्स हैं जो आपने बुक्स एंड नोटबुक्स दोनों पे करनी है। व्हाट आर द यूजेस ऑफ कंप्यूटर इन स्कूल्स? नंबर वन फॉर मेकिंग एग्जामिनेशन डेट शीट, नंबर टू फॉर कीपिंग फीस रिकॉर्ड्स। राइट वन यूज ऑफ कंप्यूटर इन बैंक, ऑल रिकॉर्ड्स इन द बैंक्स आर मेंटेन, मतलब होता है सेव करना ऑन द कंप्यूटर। राइट टू यूजेस ऑफ कंप्यूटर एट द रेलवे स्टेशन, टू बुक टिकट्स, टू इन्फॉर्म अबाउट द ट्रैफिक सिचुएशन। आर कंप्यूटर यूज्ड इन हॉस्पिटल, यस और नो? यस कंप्यूटर्स यूज्ड इन हॉस्पिटल्स। राइट टू यूजेस ऑफ कंप्यूटर इन पुलिस स्टेशन, नंबर वन टू स्टडी DNA रिपोर्ट, नंबर टू टू स्टडी फिंगरप्रिंट्स। फिल इन द ब्लैंक्स। कंप्यूटर यूज्ड इन स्कूल्स टू इशू सर्कुलर्स, इन ऑफिसेस कंप्यूटर यूज्ड टू कीप रिकॉर्ड्स, द पुलिस डिपार्टमेंट यूज कंप्यूटर्स टू स्टडी DNA रिपोर्ट, द डॉक्टर डायग्नोज द इलनेस ऑफ अ पेशेंट। ठीक है, तो आपके ट्रू फॉल्स हैं, बैंक्स सेल्डम यूज द कंप्यूटर, ट्रू। नंबर टू है इन स्कूल लाइब्रेरी रिकॉर्ड्स ऑफ द बुक्स आर किप्ट इन कंप्यूटर, ट्रू। नंबर थ्री एक्सरे रिपोर्ट्स आर नॉट स्टडीड ऑन द कंप्यूटर, फॉल्स। द स्टडी ऑफ फिंगरप्रिंट्स कैन बी डन ऑन कंप्यूटर, ट्रू। ऑफिसेस डू नॉट कीप एनी रिकॉर्ड्स इन द कंप्यूटर, फॉल्स। ठीक है, अगर आपको आंसर में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड फोर्थ वाला ट्रू है, थर्ड एंड फिफ्थ नंबर वाला फॉल्स है बच्चों। उसके बाद आपकी मैचिंग है बैंक इसके साथ, ऑफिसेस फोर नंबर के साथ, रेलवे थर्ड के साथ और स्कूल आपका बी के साथ मैच होगा। देन आपने लिस्ट बनानी है, मेक अ लिस्ट ऑफ प्लेसेस वेयर कंप्यूटर आर यूज्ड। तो ये वाले 10 प्लेसेस हैं, यहाँ पे आप कंप्यूटर को यूज़ कर सकते हो। ये वाला सभी पार्ट आपने बुक्स पे फिल करना है, ए से लेके ई पार्ट तक आपने बुक्स पे फिल करना है। और आपके जो क्वेश्चन आंसर है मैंने पहले भी बोल दिया कि ओनली वही आपने अपनी फेयर नोटबुक्स पे राइट करने हैं विद नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।